E नमस्कार युवा जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं हर तरफ हुनर का ही बोलवाला है और आज की युवा पीढ़ी अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान से उसमें जुटी है चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे वैज्ञानिक बनने की जी हर क्षेत्र में युवा अपना परचम लहरा रहे हैं और अपने ज़िले में भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक शख्स है जिसका नाम है राहुल राज राहुल राज ने न सिर्फ ज़िले बल्कि सूबे का नाम रोशन किया है इन्होंने वैज्ञानिक बनकर न सिर्फ युवा का दमखम दिखाया है बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत बने हैं अपने जिले के उभरते सितारे उभरती प्रतिभा वैज्ञानिक राहुल राज भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई में इन्होंने परमाणु वैज्ञानिक के रूप में सफलता इन्हें मिली है और इन्होंने जिले का नाम रोशन किया है राहुल राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद मैम राहुल राज जी आप स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपको वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली बचपन से मुझे साइंस में हमेशा से रुचि रही है तो मैं हमेशा से ही एक इंजीनियर बनना चाहता था जी इसी कारण से मैंने टेंथ के बाद ट्वेल्थ बोर्ड में मैंने साइंस एज ए सब्जेक्ट को रखा जी जी उसके बाद मैंने ट्वेल्थ के बाद मुझे एमआईटी कॉलेज में बीटेक टेक करने आ, करने के लिए मेरा वहाँ एडमिशन हुआ जी। चार साल तक मैंने मैं वह, मैंने वहाँ बी टेक किया जी दो हजार उन्नीस में मैं वहाँ से पास आउट होकर मैं वहाँ से निकला हूँ और उसके बाद भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर की ओर से वैकेंसी निकली मैंने उसे अप्लाई किया और वहाँ से उन्होंने एग्जाम के लिए मुझे बुलाया एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया जी जहाँ मैं जहाँ लगभग पौने दो घंटे तक वहाँ इंटरव्यू चला और और उस इंटरव्यू का जब वो फाइनल रिजल्ट हुआ तो मेरा सिलेक्शन एज ए साइंटिस्ट के लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ वहाँ पे जी तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली आपको क्यों लगा कि मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है जी जी मैं चाहता था कुछ नया कुछ नया आविष्कार करना कुछ नया जानना किसी चीज़ के बारे में इसमें मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है तो मैं हम तो मुझे हमेशा से ये इंटरेस्ट रहा है कि मैं उस उस फील्ड में जाऊँ वहाँ कुछ काम करूँ डेस्ट के लिए कुछ काम करूँ जी तो मैंने इस कारण से मैंने भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर बी आर सी का को मैंने चुना अच्छा। वहाँ काम करने के लिए मैंने तो आपने इसकी तैयारी कैसे की कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैं हमेशा से एक टारगेट लेके चला हूँ एक एम एक टारगेट लेके चला हूँ कि मुझे क्या करना है मुझे किस किस दिशा में मुझे आगे आगे बढ़ना है तो मैं हमेशा से ही आ, आ, अपने रूटीन में एक टाइम को फिक्स करके करके हमेशा से, से ही चला था कि आ, आ, मैं इस इस क्षेत्र में मैं मैं आगे बढ़ सकूं जी तो सारी स्टडी जो भी हुई है मैंने खुद से ही की सेल्फ स्टडी से बुक्स के सहारे ऑनलाइन मीडियम है मैंने वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज गेन किया जी तो माना जा सकता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो सिर्फ कोचिंग संस्थानों के सहारे ही तैयारी नहीं की जा सकती खुद से भी तैयारी जम के अगर की जाए तो बेहतर सफलता हाथ मिलती है बिल्कुल तो आप अपने मार्गदर्शक का नाम बताएं जिनसे आपको प्रेरणा मिली या जिन्होंने आपको रास्ता सुझाया आ, मेरे प्रथम मार्गदर्शक हमेशा से ही मेरे बड़े भैया राजीव रंजन इंजीनियर राजीव रंजन उ, उन्होंने ही मुझे मैथ साइंस इन सभी का मैं आज जो भी पोजिशन में हूँ आज उनका उसका सारा श्रेय मेरे भैया को ही जाता है उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ा वो खुद भी एक इंजीनियर तो वो हमेशा से ही मेरे एक आइडल रहे हैं जी। तो मैं जो भी हमेशा से उनको फॉलो करता आया हूं, तो वही मेरे मार्गदर्शक हमेशा से रहे हैं। अच्छा तो अब तक आपने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जो मतलब विद्यालय स्तर पे या फिर आ, कॉलेज के स्तर पे आपको उसके लिए पुरस्कृत किया जा सका हो बिल्कुल मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में एक मेजर प्रोजेक्ट हुआ करता है जी। उस प्रोजेक्ट में मैंने मतलब हमारी टीम ने पांच लोगों का एक टीम था उस टीम ने एक ऑर्डिनो बेस्ड ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग सिस्टम था उसका मेन उद्देश्य यही था कि हमारे घर में जो भी रेफ्रिजरेटर या वाटर प्योरीफायर सिस्टम होते हैं उसमें बोतल को अगर ऑटोमेटिकली अगर मतलब बोटल को उसमें रख दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसे वो फिल कर ले जी जी। जब भी वो खाली हो मतलब फ्रिज में नॉर्मली बोटल को रखा जाता है फ्रिज हो अब से भी हम लोग पानी के बोटल को भरते हैं जी जी। तो वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि आप उसमें बोटल को लगा दीजिए वो सेंस करेगी और ऑटोमेटिक पानी के बोटल को भर लेगी तो हम लोगों ने उसी के प्रोजेक्ट को कॉलेज के टाइम में किया था फाइनल ईयर के टाइम में काफी हम लोगों ने समय भी दिया था उसके लिए जी तो तैयारी को लेकर कहा जाता है कि अगर किसी क्षेत्र में मुझे सफलता पानी है तो लोग कहते हैं कि मैं आठ घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ बारह घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ या बीस घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ तो वैज्ञानिक जैसा पद जिसमें मतलब सोच की मात्रा ज़्यादा होती है निरंतर सोचना होता है संघर्ष करना होता है नए नए तरीके ईजाद करने होते हैं तो आपने कितना समय दिया मेरा पढ़ने का जो शेड्यूल था वो हर ज़्यादा नहीं था पर वो स्टार्टिंग से ही मैं पंचुअल रहाँ मतलब हर रोज़ उस टाइम को हमेशा डेटे डेटे आए हूँ जैसे जैसे कि मेरा अगर पढ़ाई का स्टडी आवर देखा जाए तो एट आवर मैक्सिमम रहता होगा उसके अलावा मुझे मैं मैं मतलब कॉलेज लाइफ जो भी है हर चीज़ के लिए टाइम निकलता था पर आ, बस कहने का यही मकसद है कि हर रोज़ वो पंचुअलिटी एक दिन में कोई भी चीज़ करे या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। उसके लिए आपको सालों साल टाइम देना पड़ता है तो स्टार्टिंग से ही मेरा लगभग वही आठ घंटे के अप्रॉक्स में टाइम डेटा था और वो कॉलेज के स्टार्टिंग दिनों से ही 2015 में मैंने एडमिशन लिया तभी से जी एक जी रूटीन जी। बना के मैं चला और जो भी मेरा टारगेट जो भी मेरा एम रहा है मैंने उसके लिए हमेशा टाइम निकाला तो स्टडी आवर वही मेरा एट आवर पर डे अच्छा लगभग आठ घंटे अच्छा एक सवाल आपसे और है कि बच्चे जो हैं जो बेहतर करना चाहते हैं तो उनका झुकाव दूसरे शहर की ओर होता है खासकर दूसरे राज्य में बच्चे पढ़ते हैं कोटा का भी नाम है कि बच्चे जो भी तैयारी करने जाते हैं तो इस शहर में लोग शहर से दूर जाते हैं यहाँ क्या सुविधाएं और क्या अभाव आपको झेलना पड़ा और आपने कैसे तैयारी की जहाँ लोग बाहर की ओर जा रहे हैं आपने शहर को ही क्यों चुना पढ़ाई के लिए मैम कहीं पे भी, भी कोई भी स्टूडेंट अगर वो जा रहा है तो वो स्टूडेंट को ही मेहनत करना होगा स्ट्रगल करना होगा उसे ही टाइम निकालना होगा जी तो ये डिपेंड नहीं करता है कि वो किस जगह पे रह रहा है कहाँ वो पढ़ाई कर रहा है मेन uh, मैटर यही करता है कि वो uh, उस स्टूडेंट का उस अपने एम अपने टारगेट के पीछे uh, उसका कितना डेडिकेशन है जी। वो कितना डेडिकेटेड है उ, 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 उस पढ़ाई के लिए जी। तो अगर स्ट्रांग मोटिवेशन हो तो वो कहीं पे भी अपने घर पे भी कहीं पे भी हो रहा के वो उस चीज़ को uh, उस टारगेट को वो हासिल कर सकता है हाँ काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन भी है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको ज्वाइन करना है जी, अगर आपका अगर आपको किसी टारगेट को अचीव करना है तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं आप खुद से भी कर सकते हैं घर पर भी रह के कर सकते हैं और घर पर तो आ, मैं, मैं यहाँ रहा तो घर पे मुझे एक अच्छा माहौल भी मिला घर पे हर किसी का सपोर्ट भी रहा तो मेरा डिसीजन हमेशा से यही रहा है कि मैं घर पे ही रह के अपने सेल्फ स्टडी पे मुझे काफी विश्वास था कि मैं आ, अपने टारगेट को जो भी है मैं उसे हासिल कर सकता हूँ इसलिए मैंने हमेशा से ही मैंने घर पे सारी पढ़ाई जो भी रही है मैंने घर पे खुद से ही की है लेकिन आप ये बताइए कि चलिए पढ़ाई के लिए आपको माहौल तो बहुत अनुकूल मिल गया लेकिन कुछ मामलों में तो प्रतिकूलता है यहाँ चीज़ों का अभाव है वैज्ञानिक जैसे शब्द के लिए लोगों को लगता है कि ये बाहर की चीज़ है बड़े बड़े संस्थान हैं तो इसमें आपने कैसे संघर्ष किया तो चाहिए कि अगर आप किसी आ, अच्छे शहर बड़े शहर जहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट जो कि काफ़ी रिजल्ट दे चुके हैं वहाँ अगर आप जाइएगा तो आपको एक सही दिशा शायद सा, ये कहने को मिल सकता है कि शायद आपको कम मेहनत करना पड़े क्योंकि वो सही गाइडलाइन एक सही परफेक्ट दिशा वो लोग देते हैं जी। तो वहाँ जाने से एक फायदा पर आ, बस मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं बहुत से स्टूडेंट हैं जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर का रहना वो वो उस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि तो वो निराश हो कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मैं मैं अपने सपने को जो भी मेरा सपना है मैं उसे हासिल नहीं कर सकता ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप चाहें तो आप ख़ुद से भी अपनी मेहनत से आ, अपने घर पे भी या कहीं पे भी आप रह उस चीज को हासिल कर सकते हैं। तो अब आप युवा वैज्ञानिक बन चुके हैं आगे आपका लक्ष्य क्या है लक्ष्य हमेशा यही रहेगा कि क्योंकि मैं वैज्ञानिक बना हूँ पूरे देश के लिए मुझे कुछ करना है अपने देश का नाम रोशन करना है अपने परिवार का नाम रोशन करना अपने शहर का नाम रोशन करना है नाम रोशन कर दिया है आगे आपकी क्या योजनाएं हैं कि आप ऐसा क्या करना चाहेंगे अभी मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया हूँ तो वहाँ का मुझे अभी आइडिया नहीं है तो पर मुझे जो भी वहाँ दिया जाएगा मैं वहाँ अपना बेस्ट दूंगा जी तो बहुत बेहतर करने की आप में संभावना है तो होता ये है कि जब हम सफल होते हैं तो खास करके वो पीढ़ी आपको आपके नेतृत्व का समर्थन करते हुए आपके जैसा बनना चाहती है तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे कोई भी स्टूडेंट कोई भी है तो उनको सबसे पहले अपने पे विश्वास रखना जरूरी है जी। किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है आपको तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा जी धैर्य पेशेंस रखना होगा और मेहनत करना होगा सफलता जो है वो एक न एक दिन मिलेगी ही मिलेगी जी। हाँ उस दौरान आपको काफी बार ये, ये लगेगा कि मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है मैं क्या करूँ आप आ, मेरे साथ भी हो, भी, भी काफ़ी बार ये चीज़ हुआ है तो उस दौरान काफ़ी बार होता है कि आप अपने आ, सब्जेक्ट अपने लाइन को छोड़ के किसी और लाइन में जाते हो चले जाते हैं स्टूडेंट तो अगर आपको एम अपने टारगेट को हासिल करना है तो आपको उस चीज़ के लिए आपको टाइम देना होगा पेशेंस रखना होगा और मेहनत करना होगा खुद पर विश्वास रखना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कोई भी विद्यार्थी अपने जो भी टारगेट है जो भी एम है वो अपने सपने को हासिल कर सकते हैं परिवार वालों से आपको क्या आ, सहारा मिला क्योंकि मैंने मदद मिली आपको क्योंकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई घर पे ही की है जी। तो घर वाले का एक सपोर्ट काफी जरूरी होता है जी। और परिवार के हर एक सदस्य ने काफी हर एक सदस्य काफी योगदान रहा है अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो उन लोगों का काफी बड़ा योगदान है हर हर कदम पे उन लोगों ने सपोर्ट किया है मुझे और पढ़ाई के लेकर के मेरे पापा में मेरे पिताजी हमेशा से वो एजुकेशन को सबसे आगे रख कर चलते हैं अच्छा। तो वो खुद भी एक टीचर हैं रिटायर्ड टीचर हैं तो वो हमेशा से पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं हमेशा से वो पढ़ाई को सबसे आगे रख के चलते हैं तो इस कारण से परिवार की ओर से काफ़ी सपोर्ट रहा हमेशा से ही पढ़ाई को लेकर के उन परिवार का तो बहुत योगदान होता ही परिवार का सपोर्ट अगर मिले योगदान तो हम लोग बेहतर कर पाएंगे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक युवा वैज्ञानिक के रूप में आज के समय में जो भी स्टूडेंट है वो एक एक टारगेट को लेके चले एक एम को लेकर के चले उनको करना क्या है लाइफ में ये हमेशा उनको पता होना चाहिए कि मुझे आगे अपनी लाइफ में आगे मुझे क्या करना है और और हमेशा से वो एजु एजुकेशन को कभी भी वो छोड़े नहीं जी। शिक्षा जो होता है वो बहुत बड़ी चीज है वो आपको हर आ, वो आपको हर एक चीज वो दिलवा सकती है जो जितने भी आपके सपने हैं जो भी है वो हर एक चीज को अगर कोई पूरा करवा सकता है वो शिक्षा ही है तो हमेशा से आप शिक्षा शिक्षा को लेकर चले अगर एक शिक्षित समाज होगा तो तो शिक्षित समाज होगा तभी वो समाज आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा तो शिक्षा ग्रहण करते समय कुछ तरह की अड़चने आई खासकर इस क्षेत्र में जहां आज आप सफल हुए हैं यहाँ तक आने का सफ़र आसान तो था नहीं जी, मैं मुश्किल रहा होगा तो काफ़ी क्योंकि मैं सारा पढ़ाई घर से ही आ, मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी से ही किया है घर से ही किया जी, है जी। तो काफ़ी बार मुझे भी ऐसा लगता था कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है काफ़ी बार मैं मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मैं क्या करूँ किसी और लाइन में जाऊँ ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है पर पर फाइनली मैं मैं और हमेशा से मेरे जो दोस्त लोग हैं मेरे परिवार वाले हमेशा से सपोर्ट किया है कि आप लगे रहिए एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी अगर आपको मौका मिले तो आप अपने शहर के लिए इस क्षेत्र में क्या खास करने की सोच रखते हैं मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये ये शहर भी शिक्षा के मामले में आ, आगे बढ़े जी शिक्षित हो लोग यहाँ शिक्षित होंगे तो यहाँ से भी देश को काफ़ी

ट्वेल्थ में मैं यहीं मुजफ्फरपुर से ही एम बी बी एल इंटर कॉलेज एम बी बी एल इंटर कॉलेज जो यहीं मुजफ्फरपुर में ही है मैंने वहाँ से ट्वेल्थ किया बिहार बोर्ड अच्छा। से और 2015 में मैंने ट्वेल्थ अपना बोर्ड कंप्लीट किया और फिर उस टाइम पर बिहार कम्बाइन बी सी सी की एग्जाम होती थी बिहार कम्बाइन मतलब ऑल ओवर बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें नामांकन के लिए एक परीक्षा होती थी मैंने जी। आ, उस परीक्षा में क्वालिफाई किया दो लेवल के एग्जाम होते थे जी जी और फाइनली मुझे काउंसलिंग होने के बाद मुझे यहाँ एम कॉलेज में एडमिशन मिला जी जी तो आपके माध्यम से समाज को यह संदेश भी जा रहा है कि पढ़ाई घर पर रहकर भी की जा सकती है और बेहतर रिजल्ट भी मिल सकता है बेहतर परिणाम भी मिलते हैं इसलिए पलायन ही अंतिम संभावना नहीं है पढ़ाई के लिए घर में भी माहौल को अनुकूल किया जा सकता है आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं मेरे परिवार में कुल नौ लोग हैं। हैं हैं। हम तीन भाई और और चार बहन अच्छा। मम्मी पापा। सभी लोग मतलब पढ़ाई में इसी में क्षेत्र इंजीनियर है बीटेक किया था मेरी एक छोटी बहन है वो भी आ, से कर तो तीन लोग हम लोग से है बाकी मेरी बहन जो है तो शिक्षा का बहुत अनुकूल हाँ, प्रभाव हाँ, आपके अच्छा, घर में है इसका भी असर आप पे पड़ा है। अब आगे क्या संभावनाएं देखते हैं आप इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में ये क्योंकि ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र जी जी संभावनाओं संभावनाएं तो इसमें काफी होंगी पर Uh, क्योंकि मैंने अभी वहाँ uh, ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे अभी पता नहीं मुझे वहाँ क्या करने को मिलेगा क्या अच्छा। करना होगा जब मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा तो, तो मुझे ज़्यादा पता अच्छा चलेगा कि मुझे अच्छा। आखिर करना है क्या है वहाँ अच्छा पर, पढ़ाई के दौरान का कुछ यादगार पल है जो आप हम सभी दर्शकों के बीच में रखना चाहते हैं कहते हैं ना कि कोई भी चीज कभी कभी मिल का पत्थर बन जाती है शुरुआत कहीं कहीं से तो करना ही होता है आगाज होता है हाँ। तो आपका कोई ऐसा यादगार पल जो आप हम सबों के बीच में रखना चाहेंगे हम लोग लो ने कॉलेज के टाइम में आ, जी। जो प्रोजेक्ट किया था उस प्रोजेक्ट के लिए हमारी जो टीम थी पाँच लोगों का जो टीम थी जी उन लोगों ने हम सभी लोगों ने काफी उसके लिए काफी Uh, मेहनत काफ़ी टाइम टाइम उस प्रोजेक्ट के लिए दिया दिए थे तो वो एक हमेशा से ही वो एक यादगार पल रहेगा हम, हमारे लिए हमारे वो जो भी पांच लोग जो ग्रुप में थे उन सभी के लिए वो जी तो जो पांच लोग थे क्या अभी भी आप लोग साथ में हैं आ, वो अलग अलग जगह नहीं अभी हम लोग साथ में नहीं है कॉलेज में साथ में थे में साथ वो सब अलग अलग शहर के थे मुझे बिहार के ही तो कुछ लोगों का कहीं जॉब हो गया है तो वहाँ भी पोस्टेड है जी। और बाकी त, अपने तैयारी में लगे हुए हैं जी एक लीक से हटकर थोड़ा सवाल है लेकिन जायज़ सवाल है एक तो वैज्ञानिक का पद इसमें बहुत परिश्रम विज्ञान की तकनीकी बातें होती है लेकिन कहते हैं कि जहाँ विज्ञान होता है वहाँ संगीत भी होता है और जिनकी संगीत में रुचि होती है उनका ध्यान भी पढ़ने बहुत लगता है तो क्या आपकी रुचि संगीत में है आ, संगीत में रुचि है पर मुझे आ, संगीत सुनना गाने सुनना मुझे पसंद है जी जी। तो मैं हमेशा से ही कभी भी मुझे समय मिलता है तो मैं गाने को सुनना मैं पसंद करता हूँ जी जैसे बहुत लोग बचपन में कुछ बनना चाहते हैं उस समय आपकी जिज्ञासा क्या थी मेरी जिद्दी पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं तो इसलिए प्रश्न है बचपन में बचपन से ही मुझे जैसे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे भैया कभी कुछ टॉर्च लेकर आ गए रेडियो लेकर आ गए तो मैं काफी बार उसे खोल कर खराब कर दिया करता था तो काफी बार मुझे घर पर डांट भी सुनने डांट भी खाने को मिला है मतलब मैंने की क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रहता था कि वो आखिर वो चल कैसे रही है वो काम कैसे कर रही है मुझे वो जानना रहता था तो इस कारण से बचपन में कोई भी ऐसा सामान मुझे दिखता था जैसे मुझे याद है कि एक और आ, मेरे भैया ने एक टॉर्च खरीद कर वो लाए थे जी मुझे जी बस वो जानना था कि वो काम कैसे कर रहा है एलईडी टॉर्च था नया नया उस टाइम पर आया था जी तो मैंने उसे खोल दिया पर वो किसी खुलते टाइम वो टूट टूट चुका था अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि कहीं घर को घर में किसी को पता चलेगा तो मुझे डांट मुझे डांट पड़ेगी तो मैंने उसे गम से मैंने उसे चिपका दिया था वो काम तो किया नहीं फाइनली घर घर में सभी लोग को पता चल ही गया था कि ये मेरा ही काम है मैंने ही उसे खराब किया होगा जी जी तो ये बचपन से हमेशा से रहा या फिर कोई भी सामान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पुराना हो जाती थी दीपावली के टाइम पे कोई पुराना टीवी या कोई भी टेप रिकॉर्डर वो कचरे में जा रहा होता तो मैं उसे जरूर एक बार खोल के चेक कर रहा था आखिर है क्या इसमें क्या क्या कंपोनेंट है उस समय तो उतना जानकारी मुझे थी नहीं उसके बारे में पर क्यूरोसिटी हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है उसमें जानने की कि वो आखिर है क्या वो काम कैसे कर रहा है इतना उसमें उसके अंदर होगा क्या तो ये इसके हमेशा से ये रुचि रही है उसमें विध्वंस और निर्माण आप साथ-साथ करते, साथ साथ करते रहे वैज्ञानिक <laughs> <करते रहें। laughs> बनने की नीम बचपन में ही पड़ गई थी आपकी हां अच्छा एक प्रश्न ये है कि कहा जाता है कि विज्ञान अभिशाप और वरदान दोनों है आप इससे कितना सहमत असहमत और आपकी इस पर क्या राय है जी आपका कहना बिल्कुल सही है अगर किसी भी चीज़ को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आ, वो तो वो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है पर उसी चीज़ को अगर आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अभिशाप भी साबित होगा जैसे अभी प्लास्टिक का ही आविष्कार हुआ था जिस टाइम वो आविष्कार हुआ था तो जिन्होंने उसका आविष्कार किया उन्हें नोबल प्राइज भी मिला था पर आज वही प्लास्टिक बैन कर दिया गया है तो हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें हमेशा से ही वो हमारे लिए आशीर्वाद बनेगा वो 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 हमें मदद करेगा पर उसे उसे अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें हर एक हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिस एडवांटेज दोनों ही होता है आप परमाणु वैज्ञानिक बने हैं और परमाणु बम से सारी दुनिया सकते में है इस पर आपका क्या, क्या कहना है क्या राय है आपकी अपने देश को बचाव करना है तो आपको शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा शक्तिशाली परमाणु बम जहाँ विध्वंस करवाती है वहीं वो एक शांति का भी प्रतीक है अगर आपके आ, अगर आपके अगर आप ताकतवर होंगे शक्तिशाली होंगे तो किसी दूसरे देश आ, आप पर अटैक हमला न, नहीं होगा तो आप एक कहीं ना कहीं एक शांति का प्रतीक भी है तो आपने आ, सफलता पाई है तो सफल होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये सफलता असाधारण है बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है Uh, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पर उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ काम करने के लिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे काम करने का मुझे अवसर मिला है तो मैं वहाँ काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मुझे वहाँ क्या काम करने को मिलेगा किस तरह से मैं काम करूँगा वहाँ पर तो वहाँ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये है राहुल राज जिन्होंने परमाणु वैज्ञानिक के रूप में हम सबों का नाम बढ़ाया है सुबह का नाम बढ़ाया है राहुल राज आपका स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए साथ ही दर्शकों आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत बहुत पसंद आया होगा फिर मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार